नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मणिपाल जयपुर फेसबुक लाइव में। इस बार का जो हमारा विषय है वर्ल्ड किडनी डे, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किडनी की समस्या, किडनी की परेशानियां एक बहुत उभरता हुआ बीमारी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी स्टडीज़ में भी देखा गया है कि 100 में से लगभग 10 से 15 लोगों को किडनी की समस्या है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए और लोगों को अवगत कराने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर डे आर धवन, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एंड डॉक्टर आलोक, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो आज हम सर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किडनी की समस्याओं क्या क्या समस्याएं हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रोनिक किडनी डिजीज होता क्या है? देखिए, किडनी की कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी अगर लंबे समय तक बनी रहे, उसका एक ड्यूरेशन डिफाइन किया गया है कि अगर ये 3 महीने से ज़्यादा बनी हुई है तो उसे आप कह सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। इसे जरूरी नहीं है कि उसमें क्रिएटिनिन है, जो लोग आमतौर पर समझते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी को पेशाब में प्रोटीन आता है वो भी अगर 3 महीने से ज़्यादा बना हुआ है, या पेशाब में ब्लड आता है, आरबीसी जाती है, वो भी अगर 3 महीने से ज़्यादा समय तक बना रहता है, तो इसे आप क्रोनिक किडनी डिजीज कह सकते हैं। सर, क्रोनिक किडनी डिजीज होने के कारण क्या है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, नॉट हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे जो प्रमुख कारण है किडनी खराब होने का, वो है डायबिटीज़। और हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, खासतौर से हमारे कंट्रीज़ में भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस लास्ट 10-20 ईयर्स में हुए हैं उसके कारण डायबिटीज़ बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, और उसी का परिणाम है कि किडनी की बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। उसके अलावा, डायबिटीज़ के अलावा दूसरा प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और आप सभी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर भी लाइक डायबिटीज़, अगेन ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों होती हैं, जिसको डायबिटीज़ होता है उसको हाइपरटेंशन भी होता है, और इस कंडीशन में किडनीज के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। और यही दो बीमारियाँ हैं जिसके कारण से किडनी की परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा बहुत से अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियाँ भी हो सकती हैं, उसमें भी खराब हो सकते हैं। बट एक बीमारी जो कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है वो है रीनल स्टोन डिजीज, जिसको हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। ये रीनल स्टोन डिजीज भी हम लोग देखते हैं ओपीडीज में कि रोज़ ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पथरी थी बहुत लंबे समय से और अंत में किडनीज पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं, और तब वो हमारे पास पहुंच पाते हैं। तो सर, जब अब हम बात पथरी की कर रहे हैं तो मैं सर आपको सम्मिलित करना चाहूँगा कि जो पथरी होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है? कुछ प्रकार हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये पथरी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ये डिपेंड करता है जैसे भौगोलिक स्थिति, हम स्टोन बेल्ट एरिया में रहते हैं, यहाँ पर स्टोन के परसेंटेज और जगह के मुकाबले ज़्यादा है। दूसरा कारण है हमारे खान पान पे, अगर हमारे खाने पीने में नमक ज़्यादा है, हम कम पानी पीते हैं या मांस इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा है, तो पेशाब में पथरी बनने का चांस ज़्यादा रहता है। कुछ अलग कारण, जैसा हमने डिस्कस किया था, मोटापा पथरी बनने का कारण करीब करीब दुगना बढ़ाता है जी। ऐसे ही डायबिटीज़, तेजाबी एसिडिक यूरिन बनाती है तो पथरी प्रेसिपिटेट होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कम कॉमन कारण हैं, जैसे अनुवांशिक कारण हैं, कुछ रोग हैं जैसे गठिया रोग है, इनके अंदर पथरी बनने का रिस्क बढ़ जाता है जी। सर, जैसे जब बात पथरी की करते हैं तो इस किस समय पर दवाई लेनी चाहिए और इसकी काम करने की संभावना कब होती है? हाँ, इससे जुड़ी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। पथरी अगर गुर्दे में है तो दवाई, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो पथरी को वहाँ से निकाल करके रास्ते में ले आए जी। कुछ खास तरह की पथरियाँ ही हैं जो दवाई से घुलती हैं, जैसे प्योर यूरिक एसिड स्टोन्स, कुछ दवाई की वजह से बनी हुई पथरियाँ जो पेशाब में घुल सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी पथरियाँ हैं उनका पेशाब में घुल जाने का चांस बहुत कम रहता है। जो पथरियाँ नली में आ गई हैं उनका पथरी का स्थान और उसके साइज़ पर निकलने की संभावना डिपेंड करती है। अगर गुर्दे की नली में ऊपर है और उनका साइज़ करीब 6 मिलीमीटर से लेकर 8 मिलीमीटर तक है तो 75% करीब संभावना है कि वो दवाई से निकल जाएगी। 9 मिलीमीटर या इससे बड़ी पथरियां हैं या ऊपर ही हैं गुर्दे के पास में, तो उनका करीब 25%। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे पथरी अपने आप निकलने का या दवाई से निकलने का चांस कम होता जाता है। तो
सर, अगर जैसे कई लोग होते हैं जिनको पथरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या वो सही समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है? कुछ स्थितियां हैं जिनमें पथरी के साथ में अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें इलाज डालना नहीं चाहिए। कभी भी अगर पथरी के साथ संक्रमण है, गुर्दे में रुकावट है या सूजन है, पथरी एक ही जगह के ऊपर एक महीने से ज़्यादा है और गुर्दे पर दबाव डाल रही है, एक ही गुर्दा है और उसमें पथरी फंसी हुई है, या पथरी का बल्क स्टोन का जो बल्क है, मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में इंतजार करना हमारे लिए गुर्दे के लिए नुकसान का हो सकता है। पथरी हम बाद में भी निकाल पाएंगे लेकिन गुर्दे का नुकसान हम वापस ठीक नहीं कर पाएंगे। जी, तो सर अब जब इतनी समस्याएं हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो सर आखिर क्रोनिक किडनी डिजीज को रोका कैसे जा सकता है, इसके उपचार क्या है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको होने से रोका जाए। उसका कारण जैसा कि सर ने अभी बताया कि किडनीज की बीमारियाँ, एक बार किडनीज खराब हो जाने के बाद उसके ठीक होने की संभावना लगभग 9 के बराबर होती है, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बीमारियों को समय रहते ही होने से रोकें। जी, और जैसा मैंने बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ या किडनी खराब होने का प्रमुख कारणों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और ये हम सभी जानते हैं आज के समय में कि ये दोनों बीमारियां हमारे दैनिक जीवन, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, तो हम इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। एक हमारे में लोगों में भ्रांति रहती है कि ये बीमारियां ओल्ड एज की डिजीज हैं, पर अब ऐसा नहीं है। हम सबको ये जानना चाहिए कि समय के साथ साथ ये बीमारियां एज में शिफ्ट होती जा रही हैं, और अब ये देखा जा रहा है कि इवन 30s में, जो लोग 30s में हैं उनमें भी ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। तो हम लोग अब एडवाइस यही करते हैं कि जो लोग 30 साल या उसके ऊपर हैं, वो खास तौर से अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, खान पान में का ध्यान रखें, मोटापे से बचें, एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल करें, आधे एक घंटे की एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए, और साथ में समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की भी जाँच कराते रहें। ये ऐसा ना सोचे कि नहीं हमें तो नहीं होगा, अभी मैं यंग एज में हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ताकि समय रहते ही हम इन बीमारियों को का पता कर सकें, क्योंकि ये बीमारियां साइलेंट किलर कही जाती हैं। जिस तरह से डायबिटीज या हाइपरटेंशन, उसी तरह से किडनी डिजीज भी है। जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि किडनी डिजीज जब अपने 5 स्टेजेस होते हैं किडनी डिजीज के, जब ये अपने 4th और 5th स्टेज में पहुंच जाती है, तब जाकर के पेशेंट को कोई भी दिक्कत पता चलती है। जैसे कि दिक्कत हो सकती है कि शरीर में सूजन आना, आंखों के चारों तरफ सूजन आना, भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, मिचली आना, उल्टी होना, बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो दिक्कतें हैं वो बहुत लेट स्टेज में पता चलती हैं। जी, तब तक हम 70-80% किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं, तो इसीलिए समय रहते हैं इसका पता करना, ताकि हम एटलीस्ट हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर सकते, बट उसके प्रोग्रेशन को रिटार्ड कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन बीमारियों का हम समय रहते पता कर सकें। तो उन लोगों को खासतौर से जिनको पहले से डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, वो ध्यान रखें, अपने शुगर का और ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल रखें, अपने फिजिशियन से लगातार मिलते रहें, दिखाते रहें, अपनी दवा रेगुलर लेते रहें, और साथ में बीच बीच में, जैसा कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो रूटीन में डॉक्टर कराते ही हैं कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन का टेस्ट, और एक रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट, ये साल भर में एक बार जिन लोगों को ये बीमारी है जरूर करा लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम समय रहते उसको पता कर लें। और ये भी देखा गया कि बहुत अर्ली स्टेजेस में इन बीमारियों को रिवर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। तो वही है, अगर मतलब अगर पहले से जानकारी हो तो उस बीमारी से होने से पता चल सकता है। सर, जब हम किडनी की बात सुनते हैं, किडनी की बीमारियों की बात सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? हाँ, एक्चुअली जैसा मैं बता रहा था कि क्रोनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं, तो जो 5th स्टेज होता है उसको इंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। इंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब कि अगर किडनीज के लिए आप कोई रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देंगे, उसकी जगह कोई थेरेपी नहीं देंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं देंगे जो किडनी की तरह काम कर सके, तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसमें फिर 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक कि एक हम लोगों ने ऐसी मशीन बना दी है कि जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, और ये सिंपली काम करती है जैसे बॉडी के अंदर किडनीज काम करती है, किडनीज जैसे ब्लड को फिल्टर करके और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशेष होते हैं, या जो भी एक्स्ट्रा मात्रा में होते हैं, जो भी चीज़, चाहे वो पानी हो, चाहे साल्ट हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ऐसा नहीं देते कि हम इतना ही लिमिटेड लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम दिन भर में 10 लीटर किसी दिन पानी पी लिए और हमारे शरीर को उस दिन 2 लीटर की ही जरूरत है, तो नॉर्मल किडनीज 8 लीटर पानी को बाहर निकालते हैं। बट ये जब किडनीज खराब हो जाती है तो ये क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर में एकत्र होने लगता है। तो इसलिए हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और डायलिसिस मशीन वही काम करती है जो किडनीज करती है। हम ब्लड को फ्लो कराते हैं उस मशीन के थ्रू, और उस मशीन में फिल्टर्स लगे रहते हैं, वो जरूरत के अनुसार जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा मात्रा है और साथ साथ से वो अपशिष्ट पदार्थ
जिनकी बॉडी में जरूरत नहीं है या जो नुकसानदायक है बॉडी के लिए, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन, ऐसे सैकड़ों ऐसे तत्व बनते रहते हैं मेटाबॉलिज्म में जिनको हमें शरीर से निकालने की जरूरत होती है, वो मशीन निकाल देता है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस जनरली जो मैं बता रहा हूँ मशीन वाली डायलिसिस, ये हीमोडायलिसिस कहते हैं क्योंकि ये ब्लड के थ्रू होती है। एक और डायलिसिस की मॉडलिटी होती है, विधा होती है, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, आम भाषा में पानी की डायलिसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें ये देखा गया कि थोड़ा सा स्पेस होता है, हम उस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं और कुछ पहले से ही प्रीपैक्ड फ्लूड आते हैं जिसमें सभी चीज़ों की जो बॉडी में जरूरत है उसकी एक फिक्स मात्रा डाल देते हैं और उस पानी को हम उस एब्डोमिनल कैविटी में भर देते हैं, उसमें एक ट्यूब लगा करके फिक्स कर देते हैं ट्यूब और वो पानी डाल देते हैं उसमें, वो पानी 4 से 6 घंटे तक उसमें रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि ब्लड में ज़्यादा मात्रा में है वो फिल्टर होकर के उस पानी में आ जाते हैं और जो पानी की जरूरत वाली चीज़ें हैं वो स्लोली फिल्टर होकर के ब्लड में पहुंच जाता है और 6 घंटे बाद फिर हम उस पानी को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा ये प्रोसेस दिन में 2 से 3 बार या कई बार 4 बार भी करना पड़ता है, जैसा कि किडनी की स्टेज रहती है। तो ये 2 तरह के प्रमुख डायलिसिस हैं जो हम लोग करते हैं। तो मतलब डायलिसिस का मतलब अगर हम आम भाषा में समझे तो एक आर्टिफिशियल किडनी या आर्टिफिशियल रखी जाती है जो आपके किडनी का काम करती है। सर डायलिसिस तो एक तरह का उपचार हो गया, इसके अलावा किडनी के लिए क्या क्या उपचार? या देखिए अभी डायलिसिस जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब कि अगर किडनीज खराब हो गई तो आप किसी दूसरे की किडनी ला करके और आपके शरीर में लगा दी जाए। अच्छी चीज नेचर ने हमें यही दिया है जिसे हम अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, सबके शरीर में, ज़्यादातर लोगों में 2 किडनीज होती हैं। बट ये देखा गया कि अगर हमारी 1 किडनी नॉर्मल हो पूरी तरह से तो हमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूरा लाइफ आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि 1 एडिशनल किडनीज हमारे पास होती हैं और उसका हम लोग बेनिफिट उठाते हैं लाइव डोनेशन में। किडनी लेने वाले देने वाले 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है लाइव डोनर कि जो मरीज है उसके कोई रिलेटिव, जो क्लोज रिलेटिव हैं उनका किसी की जो कि फिट हो, जैसे मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर देती है, फादर देते हैं, या इवन नियर रिलेटिव भी दे सकते हैं, सम केसेस में वाइफ देती हैं या ब्रदर सिस्टर दे सकते हैं। तो उनकी एक नॉर्मल किडनी लेकर के और पेशेंट में लगा देते हैं और 1 किडनी से दोनों, देने वाला भी 1 किडनी से और जिसको हम लगाते हैं वो भी 1 किडनी से आराम से उनका जीवन चल जाता है। दूसरा एक ये होता है कि कैडबरिक डोनर। कैडबरिक डोनर में क्या होता है कि इसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट और ज़्यादा चाहिए होता है, फैसिलिटीज बड़े सेंटर्स पे जहाँ पे कैडवर्स होते हैं, जहाँ पे किसी भी एक्सीडेंट से या किसी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई किसी यंग की जो अदरवाइज पूरी तरह से फिट है, उसके सारे ऑर्गन्स फिट हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेन डेथ हो गया बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, उस केस में हम उन ऑर्गन को रिट्रीव कर लेते हैं और उस ऑर्गन को भी फिर हम पेशेंट में, जो भी लाइन में पेशेंट होते हैं, जो भी वेटिंग में पेशेंट होते हैं, उनमें लगा देते हैं। तो इसको कैडबरिक रिनल ट्रांसप्लांट कहते हैं। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट के फ़ायदे क्या हैं? ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है उसका मेजर फ़ायदा ये है कि हमको मरीज को डायलिसिस से निजात मिल जाती है। अगर किडनी ठीक से शरीर एक्सेप्ट कर ले और वो काम करना शुरू कर दे तो एक डायलिसिस से जो बंधे रहने की समस्या थी वो चीज़ ठीक हो जाती है। खान पान पे जो इतना प्रतिबंध रहते हैं वो कम हो जाते हैं, नॉर्मल खाना खा सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। फिर ऐसा देखा गया है कि ट्रांसप्लांट की वजह से मरीज की आयु डायलिसिस के कंपैरिजन में या बिना किसी इलाज के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ जाती है। ट्रांसप्लांट हमारे पास में करीब करीब पिछले 70 सालों से है जी, और इस टाइम में जो हमने स्टडीज़ देखी हैं उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल फ़ायदा और है। अगर सेम टाइम एक मरीज डायलिसिस पर रहे, मान लीजिए 10 साल रहे और 10 साल ट्रांसप्लांट के बाद में रहे, तो ट्रांसप्लांट में उसको अपना ध्यान रखने के लिए कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। इसी वजह से ट्रांसप्लांट को हम डायलिसिस से बेटर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये ट्रांसप्लांट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है जी, करीब करीब नियर नॉर्मल। जिनको किडनी एक बार एडजस्ट हो गई बॉडी में हम देख करके बता नहीं पाते कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या हमारे से कुछ अलग है ये। जी 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 सर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है? देखिए मैं कहूँगा कि ट्रांसप्लांट आज के समय में अगर मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल है। सक्सेस रेट ऑलमोस्ट इन लाइफ डोनर ट्रांसप्लांट अबाउट 95% है, यानी कि 20 में 19 लोगों की किडनीज आराम से 5 साल तक चलती है, 5 ईयर सर्वाइवल 95% है। तो ये बहुत ही अच्छा रेट कहा जाए जी, और इसलिए मैं तो कहूँगा कि ट्रांसप्लांट अगर कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसी भी किडनी खराब होती है
तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम ट्रांसफर, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं, वो समय के पहले से चली आ रही है। आज जो 50 साल पहले था वो सिचुएशन अब नहीं है। अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, साइंस काफ़ी चेंज हो गया है और सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ गया है, और इसीलिए डायलिसिस से कई गुना, जैसा कि सर ने बताया बहुत अच्छे से कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक लाइन में कहूँ कि डायलिसिस के कई गुना अच्छा लाइफ होता है जिन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट हो जाता है। दूसरा, एक भ्रांति पेशेंट अक्सर आते हैं, सर ट्रांसप्लांट बाद हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हम लोग ने सेंटर पे ही अपने ही पायलट का भी ट्रांसप्लांट किया है जी, और वो पायलट आज प्लेन उड़ा रहा है। तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं जैसे और कोई भी व्यक्ति जी सकता है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन किडनी रिलेटेड आती है, एंड स्टेज रिनल डिजीज, तो ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। सर ट्रांसप्लांट के फायदे तो बहुत सारे हैं कि एक तो डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है, रोज रोज हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, मगर सर इसमें क्या असुविधा होती है, इसके नुकसान भी क्या है? हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जी। ट्रांसप्लांट के अंदर मेजर असुविधा ये रहती है, क्योंकि एक मेजर सर्जरी है, मेजर सर्जरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, ऑपरेशन के दौरान आसपास के कुछ अंगों को नुकसान होना, ये संभावनाएं किसी भी एक बड़े ऑपरेशन की तरह इससे भी जुड़ी हुई हैं। जो मरीज के तरफ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये बड़ा ऑपरेशन है तो एक मुश्त हमारे को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, सबके पास उतना व्यवस्था उस वक्त वैसा नहीं हो पाती जी, ये एक असुविधा की चीज़ है। फिर ट्रांसप्लांट से के बाद में जो कुछ दवाइयाँ चलती हैं, किडनी हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है, अगर उसमें रिजेक्शन रहता है ये संभावना जीवन भर रहती है, तो हमें लगातार दवाई लेना और डॉक्टर से लगातार टच में रहना ये ज़रूरी है। ये थोड़ा सा एक असुविधा का कारण है, पर ये उसके कंपैरिजन में जिसमें बार बार बीमार पड़ना है और हमें मशीन पर डिपेंडेंट रहना है, उसके मुकाबले बहुत कम असुविधाजनक है। सर जैसे अब हम सारी बीमारियों की बात कर ली, हमने इलाजों की बात कर ली, मगर बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, बहुत से लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं, आप उनके लिए क्या, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लाइफ के लिए, और जिन पेशेंट्स की किडनी ख़राब जाती है उनकी लाइफ बहुत ही दयनीय हो जाती है, इसलिए हम सबको अपनी किडनीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए कोई बहुत मेहनत या अलग से कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत ध्यान अपने, थोड़े बहुत अपने दैनिक जीवनचर्या में परिवर्तन ला करके, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा सकें, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किडनीज़ को हार्म कर सकती हैं उनका ध्यान रखें, पानी बराबर मात्रा में पीते रहें, जैसा कि सर ने बताया कि हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं, हम हाई स्टोन वेल्ट में हैं, तो हम पानी की मात्रा को ज़्यादा रखें ताकि हमारे बॉडी का हाइड्रेशन बढ़ा रहे, हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इन सब सावधानियों को ध्यान में रख करके और हम अपनी किडनीज़ को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इलाज के प्रकार से, बड़ा इलाज होने से या बीमारी बड़ी होने से घबराएं नहीं जी, हिम्मत करके बर्दाश्त न करते रहें, ऐसा नहीं हो कि बीमारी बड़ी होकर के हमारे सामने आए और हमें उसी इलाज के लिए आज के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जी, ये सबसे ज़रूरी है। जैसा हमने कुछ असुविधाएँ भी डिस्कस करी थी, ये इलाज ज़रूर बड़ा है, ऑपरेशन ज़रूर बड़ा है, लेकिन इसके लिए जो हम तैयारी करते हैं वो इतनी सफिशिएंट है कि हम उसको सेफली कैरी आउट कर सकते हैं जी। तो पूरी जानकारी इकट्ठी करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें, लेकिन डर करके अपने इलाज को टालें नहीं, ये सबसे ज़रूरी। तो मतलब अगर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो अपने डॉक्टर से मिले और उसका इलाज जरूर कराएं। सर एक मेरा पर्सनल सवाल था, जैसे कई बार क्या होता है, हमने अभी तक चर्चा की है जिन लोगों को किडनी परेशानी हुई है, जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, मगर जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं वो भी अब हमारे देश में मिथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने किसी से सुना था, वो बता रहे थे कि अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो हमें कांच से बंद वाले कमरे में रहना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, कहाँ तक सत्य है ये? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नॉर्मल, जैसे और सभी लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, बस कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं रहता, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया, कुछ सावधानियां बताई जाती हैं कि सावधानी रखें ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें, और वो नॉर्मल आदमी के लिए भी है कि आप ओपन साइड के फूड्स हैं,
फ्रूट्स बिना धुले हुए खाते हैं, आप रोड साइड खाना खाते हैं, पानी की क्वालिटी अगर गंदी है तो नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी भी इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट पेशेंट में, इन चूंकि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं तो इनमें इन्फेक्शन के प्रोपोगेट करने, बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि थोड़ा इन सब अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में ये सब सावधानियां रखें, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। वो आराम से कहीं काम पे जा सकते हैं, काम पे काम करते हैं, हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, जी जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। जी okay. तो मतलब वो ये मिथ बहुत ज्यादा है, लोग अभी तक इतना भरोसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि हम सबको जागरूक करें, समझाएं कि उन परेशानियों से निकल करके बाहर आए और किडनी ट्रांसप्लांट करा करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों के जो ज़्यादातर सवाल हैं वो हमारे विशेषज्ञों ने पूरे कर दिए हैं। इस वर्ल्ड किडनी डे पर हमारी यही आशा है सब लोगों से कि वो अपना, अगर किसी भी प्रकार की किडनी से जुड़ी हुई समस्या है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसका निदान कराएं, घबराएं नहीं, घर से बाहर निकलें, चर्चा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के।